Hello friends, welcome to Natural Physics. Myself Sagar Asodaria. Today we are going to explore sound further. Friends, do you know louder sound can kill us? कैसे हम इस वीडियो में बात करेंगे? And also I will give you tip for the good singing. But इन सारी बातों को समझने से पहले साउंड की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लाउडनेस कहते हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी है. तो चलिए पहले लाउडनेस को समझते हैं. फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज जो वाइब्रेट होती है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रेंड्स, अगर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तभी आपको ये चीज जो है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी. राइट, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है. बट फ्रेंड्स, क्या ये भी पॉसिबल है ना कि ये इस तरह से वाइब्रेट हो और इस तरह से वाइब्रेट हो? तो दोनों केस में क्या डिफरेंस? मान लीजिए कि ये छोटे जो वाइब्रेशन है वो भी एक सेकंड में 50 हो रहे हैं और बड़े वाइब्रेशन है वो भी एक सेकंड में 50 हो रहे हैं, तो दोनों से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसमें क्या अलग होगा, वो कैसे डिफरेंट होगे? तो उसकी लाउडनेस में डिफरेंट होगा. यहां से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कम लाउड होगा और यहां से जो साउंड प्रोड्यूस होगा ज्यादा लाउड होगा. राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है बट लाउडनेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. अब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो लाउडनेस है, उसकी टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की मोशन होती है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और कैसे सेम फ्रीक्वेंसी रखने के बाद भी लाउडनेस हम वेरी कर सकते हैं. राइट, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. पहले चलिए देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट. चलिए फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल व्हाइट बॉल और ग्लास हम ये देखते हैं कि जब एम्पलीट्यूड हम बढ़ाते हैं तब जो इसके ओसिले वाइब्रेशन के जो ओसिलेशन है उसमें क्या जो है वो चेंजेस आता है. पहले मैं इसको सॉफ्टली जो है वो हिट करूंगा और देखेंगे हम कि किस तरह से जो है वो व्हाइट बॉल ओसिलेट होता है. राइट, नाउ आई विल हिट मोर हार्डर और हम देखेंगे कि इस केस में क्या ओसिलेशन की जो लेंथ है इंक्रीज होती है कि नहीं होती. राइट, अब देख सकते हो फ्रेंड्स कि वो बहुत ही दूर गए. जैसे मैंने ज्यादा हार्ड इसको हिट किया, साउंड जो उससे लाउडर प्रोड्यूस हुआ. तो लाउडर क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि इसके वाइब्रेशन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी. एक बार फिर करके देख लेते हैं. जैसा आपने देखा कि जब लाउडनेस बढ़ती है तो एक्चुअल में वाइब्रेशन की टू एंड फ्रो की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है और हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड इसका बढ़ गया. राइट, अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड की लाउडनेस जो है वो अलग कर सकते हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो और लाउडनेस जो है वो उसकी वेरी हो सकती है. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको कुछ नोट्स जो है वो गा के सुनाऊंगा बट दो तरीके से. राइट, सेम फ्रीक्वेंसी के और अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो सेम फ्रीक्वेंसी की और म्यूजिकल सेंस की बात करें तो सेम सुर जो मैं यहाँ से लगाऊंगा. राइट, और हम ये दोनों डिफरेंट तरीके से मैं लगाऊंगा. पहले जो मैं उसका साउंड जो कम लाउडर लगूंगा और फ्रीक्वेंसी वही जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा. देन आई विल इंक्रीज द लाउडनेस बट सेकेंड केस में भी सेम ही फ्रीक्वेंसी रखूंगा. चलिए देखते हैं. राइट, पहले कम फ्रीक्वेंसी लाउडनेस से मैं करता हूँ सेम फ्रीक्वेंसी. Now I'll increase the loudness, but I'll keep frequency same. Sa re ga ma ba ma ga ni sa. तो आपने देखा फ्रेंड्स कि दोनों टाइम में सेम ही सुर जो है वो मैंने प्ले किए और सेम ही सुर जो है वो मैंने गाए, बट दोनों केस में आपको फील हो रहा होगा कि लाउडनेस डिफरेंट थी बट फ्रीक्वेंसी सेम थी. तो अब जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको एक टिप दूंगा फ्रेंड्स, हमारे गले की एक जो है नेचुरल लाउडनेस होती है. राइट, अगर आपको अच्छा कोई भी गाना गाना है तो अपनी नेचुरल लाउडनेस से गाना चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो जो फ्रीक्वेंसी जो पीच आपको चाहिए वो मिल जाएगी. जनरली हम सॉन्ग गाते हैं तो क्या होते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं और वहां से हमारे गले को खींच लेते हैं तो जो नेचुरल लाउडनेस है वहां से हम गा नहीं सकते, इसलिए अंदर जो भी मैकेनिज्म है वो वाइब्रेट होनी चाहिए, वो वाइब्रेट नहीं होती है. राइट, तो ये भी रिटीक है कि आप अपने नेचुरल लाउडनेस से गाने की कोशिश कीजिए तो आप अच्छा गा सकोगे.
चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि ज्यादा लाउडर साउंड की और ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले साउंड की क्या एप्लीकेशन हो सकती है और हमारे डे टू डे लाइफ में वो किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, थॉमस अल्वा एडिशन ने जब बल्ब बनाया तब ये बल्ब जो है वो उसकी जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जो है वो स्प्रेड होती थी। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि हम इसको एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं, तो रिफ्लेक्टर वगैरह यूज किया और ट्राई किया कि कितना हम यूनिट डायरेक्शन में भेज सकते हैं। फिर जो हमने लेजर बनाया, लेजर से आपको पता है कि लाइट जो है वो बहुत स्ट्रेट ही ट्रैवल करती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है। अब सेम चीज, सेम एक्सपेरिमेंट फ्रेंड्स साउंड के लिए भी हो रहे हैं। साउंड में भी देखिए फ्रेंड्स, जब स्पीकर बजता है तो वो हर एक डायरेक्शन में जो उसका साउंड है वो जो है वो स्प्रेड होता है। बट फ्रेंड्स, एक वुडी इनरिस नाम के एक पर्सन है जिसने एक स्पीकर बनाया जिसको यूनिडायरेक्शनल स्पीकर भी कहते हैं। बट वो स्पीकर कैसा है फ्रेंड्स, आप जान के हैरान हो जाओगे। उस स्पीकर में से जो साउंड निकलता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको लेजर बताया इसी तरह से। मीन्स एज फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पे वो स्पीकर प्ले हो रहा है तो उसका जो साउंड है इसके फ्रंट में जो आप खड़े होगे उसको ही सुनाई देगा, मीन्स साइड में जो खड़े होगे उसको ये साउंड सुनाई नहीं देगा। अब इस स्पीकर की बहुत सारी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है कि कुछ साल में ये कॉमर्शियलाइज हो जाएगा। राइट, मान लीजिए कि हम टीवी में अगर इस स्पीकर को लगा दे, राइट, कई बार टीवी में ऐसा होता है कि कुछ शोज, कुछ प्रोग्राम्स जो हम देखना चाहते हैं बट हमारे दूसरे फैमिली वाले को उससे डिस्टर्बेंस होता है, तो वहां लगा दे तो सीधे अगर फ्रंट में हम टीवी पे खड़े हैं तो हमको वो साउंड जो है वो टीवी का सुनाई देगा, बट दूसरे लोगों को जो है वो साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। राइट, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो नॉइस पोल्यूशन का जो एक इश्यू है, बहुत ही बड़ा इश्यू है, उसको हम जो है वो इससे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्पीकर बजता है तो हर एक डायरेक्शन में वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है और कई बार कहीं लोगों को उससे डिस्टर्बेंस होता है। बट हम ऐसा स्पीकर बना सकते हैं कि जिससे कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी, उसके जो प्रेशर वेव है वो पास हो और उस पर्टिकुलर जितने लोग उसको सुनना चाहते हैं उतने लोग ही उसको सुने और दूसरे लोगों को, तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स हम साइलेंट कर सकते हैं इस स्पीकर से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे इसके मिलिट्री में भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जब दूर इस स्पीकर का और क्या एडवांटेज है, जैसे लाइट में मैंने बताया कि जब यूनिट डायरेक्शन में लाइट जाती है तो दूर तक जाती है, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ऐसा है कि स्पीकर से अगर मिलिट्री या ऐसा कोई भी एरिया में मैसेज एक पास करना हो तो दूर तक जो है वो मैसेज आराम से हम ऐसे एरिया में पास कर सकते हैं। तो बहुत ही और सारी भी एप्लीकेशन इसकी हो सकती है फ्रेंड। मुझे लगता है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि इसको हमें कार में भी फिट करना चाहिए। कार में क्या होता है, जब हम हॉर्न बजाते हैं तो वो आजू बाजू वाले सभी को डिस्टर्ब करते हैं, बट कि कई बार हम ऐसा होता है कि हम सिर्फ हमारे सामने वाले को अलर्ट करना चाहते हैं, कभी हम ऐसा होता है कि हमारे साइड वाले को अलर्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा हॉर्न और ऐसा स्पीकर, ऐसा हॉर्न हम फोर व्हील में लगाए और मान लीजिए कि फ्रंट वाले को मुझे अलर्ट करना है तो मैं सिर्फ वही स्विच प्रेस करूं और फ्रंट में ही जो उसका साउंड पास हो और दूसरे वाले को जो है डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सॉल्व हो जाएगी। रे और भी कई सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, आप भी फ्रेंड्स कॉमेंट सेक्शन मुझे कॉमेंट करके बताए कि इस तरह के जो स्पीकर है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन और आप कहाँ पे इसको फिट करना चाहते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं कि ज्यादा लाउडर साउंड की हम पे क्या इफेक्ट होती है। फ्रेंड्स, 85 डीबी से लेस जो साउंड है वही हमारे लिए सेफ है। राइट फ्रेंड्स, 155 डीबी तक का अगर साउंड है तो हमारे ईयर ड्रम को ब्रश कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि ईयर ड्रम कैसे काम करते हैं पार्ट टू में। राइट, तो वो जो ईयर ड्रम को जो वाइब्रेट होना होता है, राइट, ज्यादा इस हाई एम्पलीट्यूड वाले और लाउड साउंड से जो है वो बिल्कुल डैमेज हो सकता है। राइट, और फ्रेंड्स ये साउंड का जो ये ईयर का जो डैमेजिंग है वो इरिवर्सिबल है। एक बार हमारे ईयर डैमेज हो जाते फिर उसको जो है वो रिवर्स करना और इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। राइट, और फ्रेंड्स 185 से 200 डीबी का अगर साउंड हो तो हमें मार भी सकता है, वो डेथ भी कर सकता है। राइट, हाँ, वो कोई एक्सटर्नल डैमेजिंग और एक्सटर्नल इंजुरी नहीं करेगा, बट फ्रेंड्स हमारे लंग्स जो है जो एयर से बना है, और साउंड भी क्या है, एक एयर में, जैसे मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि प्रेशर वेव इसको कहते हो, प्रेशर जनरेट करता है, तो वो हमारे लंग्स को जो ब्रश कर सकता है, हमारे हार्ट को ब्रश कर सकता है और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। राइट, तो फ्रेंड्स ये ज्यादा जो लाउडर साउंड है वो बिल्कुल हमें जो है वो डैमेज कर सकता है। तो जब भी हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे ज्यादा साउंड लाउड स्पीकर बज रहे हो या फंक्शंस में या वगैरह,
तो हमें उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो ईयर ड्रम के बाद जो होता है वो एक होता है, हम उसको कहते हैं हेयर सेल्स, राइट। तो जब वो ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होता है तो वहां से वो जो फ्रीक्वेंसी वो पास होती है हेयर सेल्स तक, और हेयर सेल्स क्या करता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ब्रेन तक जो है वो उसको भेजता है और ब्रेन उसको डिकोड करता है, तब जो हम कोई भी साउंड को सुन सकते हैं। तो जब ज्यादा लाउड, और हेयर सेल कैसे होता है फ्रेंड्स, एक जैसे आपने ग्रास देखा होगा, राइट, तो उसमें अगर हम बार 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 एक ग्रास पे पाँव रखे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां से जो ग्रास है उगना बंद हो जाएगा, राइट। तो सेम चीज हमारे ईयर में भी होती है, जब हम बहुत ही ज्यादा लाउडर साउंड जो बार बार सुनते हैं तो एक टाइम आता है कि वो हेयर सेल जो है वो वर्क करना बंद कर देता है, वो प्रॉपरली जो फंक्शंस उसको करना होता है वो नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए ज्यादा लाउडर साउंड हमें कभी भी नहीं सुनना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है जिसको हम कहते हैं साउंड रीडर, और डेसिबल रीडर भी शायद कहते हैं। तो अगर वहां से आप वो इंस्टॉल करोगे तो आप वो बता देगा कि आपके इर्द गिर्द आप जिस एरिया में हो वहां पे जो साउंड है या कोई भी नॉइज है वो कितने डेसिबल का है फ्रेंड्स। तो अगर आपको पता चले कि वो अप्रोक्स 100 डेसिबल का है तो आपको उस एरिया से तुरंत ही जो है वो दूर हो जाना चाहिए, या तो ईयर में जो ईयर प्लग्स और वगैरह कुछ ऐसी चीजें आती है जो आपको रख लेनी चाहिए, तो जो आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है वो अच्छा सुन सकोगे, राइट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जो भी मैंने टिप्स दिए वो आप फॉलो करोगे, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ साइंस इज नॉट जस्ट गैदरिंग नॉलेज, इट शुड रिफ्लेक्ट इन अवर बिहेवियर, राइट। और फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज़। मेरे एक स्टूडेंट है खुद से, उसने मुझे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर व्हाट इज स्पेशल अबाउट फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज़, तो उस पर भी मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी आपको बहुत ही मजा आने वाला है, राइट। तो फ्रेंड्स मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो, राइट। और भी मुझे एक जो है वो रिक्वेस्ट आई थी नेक्स्ट वीडियो में कि आप जो है वो गाना जो है वो प्ले कीजिए धवल से, तो मैं उसके लिए एक गाना जो है वो प्ले कर रहा हूँ, राइट। Thank you.